मैं गई को फिर से धमाकेदार वीडियो में गई। इस वीडियो में जो आपका 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं क्लास के जो आपके त्रैमासिक परीक्षा का टाइम टेबल जारी हो चुका है। सो गई इस वीडियो में आपको जो है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का जो टाइम टेबल है, सो गई यहाँ पर है। इस वीडियो में पूरा पूरा आपको सभी सभी सब्जेक्ट के किस तारीख को आपके जो है पेपर होंगे, किस तारीख तक आपके पेपर रहेंगे, सो गई सभी की डिटेल्स इस वीडियो में मिलने वाली है। सो गई आप जल्दी से अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गई यहाँ पर देख लीजिए जो यहाँ पर लोक शिक्षा संचालन मध्य प्रदेश द्वारा यानी शिक्षा मंडल द्वारा अभी अभी जो टाइम टेबल जारी हुआ वो 21/8/2023 को हुआ। सो यानी 21 तारीख को शाम रात 9 बजे जो है ये टाइम टेबल जारी हो चुका था। सो चलिएगा इस यहाँ पर हम आपको फटाफट दिखा देते हैं अभी अभी जारी हुआ है। सो हमने सोचा आपको प्रोवाइड करा दिया जाए। सो वैसे यहाँ पर पूरी पूरी समय सारणी आपको कितने बजे आपको पेपर देने जाना होगा और कितने बजे आपकी जो है छुट्टी होगी। सो वैसे यहाँ पर चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर पहले 9वीं 10वीं क्लास का देख लेते हैं, फिर गाइस इसके बाद 11वीं 12वीं क्लास का भी देख लेंगे। सो गाइस यहाँ पर देख लीजिए हाई स्कूल त्रैमासिक परीक्षा समय सारणी 2023-24 समय सारणी प्रातः 9 बजे से है आपका 12 बजे तक। सो गाइस यहाँ पर आपके जो पेपर रहने वाले हैं वो 9 बजे से भी 12 बजे तक रहने वाले हैं। समय आपका रहेगा सुबह प्रातः से 9 बजे से 12 बजे तक। सो गाइस यहाँ पर चलिए अब आपके विषय देख लेते हैं किस तारीख को कौन से विषय का पेपर रहेगा। सो गाइस फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर 9वीं 10वीं क्लास का जो है टाइम टेबल देखने वाले हैं, यहाँ पर देख लीजिए 12/9/2023 यानी 12 तारीख से आपको मंगलवार रहने वाला है। 12 तारीख यहाँ पर जो है 12 सितंबर को जो मंगलवार को अंग्रेजी का आपका पेपर रहेगा 9वीं 10वीं क्लास का। फिर गाइस यहाँ पर 13 तारीख को है, 13 तारीख को आपका बुधवार, 13 बुधवार यानी 13 सितंबर को आपका हिंदी का पेपर रहेगा। सो गाइस इसमें आपको जो है अवकाश नहीं मिलेगा। फिर गाइस इसके बाद तीसरे नंबर पर है 14 तारीख, 14 तारीख को गुरुवार को संस्कृत का आपका पेपर है। फिर गाइस इसके बाद है 15 तारीख, 15 तारीख को शुक्रवार है, शुक्रवार को आपका विज्ञान विषय का पेपर रहेगा। फिर गाइस इसके बाद जो है जो पाँचवें नंबर पे है शनिवार, शनिवार को आपका समाज विज्ञान यानी 16 तारीख को, 16 तारीख को आपका समाज विज्ञान का पेपर रहेगा। और जो छठवें नंबर पे है यानी रविवार का आपको अवकाश मिल जाएगा गणित के पेपर के लिए। सो गाइस यहाँ पर सोमवार को आपका गणित का पेपर रहेगा। गणित के बाद गाइस आपका जो है जो गणित के 18 तारीख के बाद 19 तारीख को जो है मराठी गुजराती ये आपके में विषय होंगे। तो गाइस ये आपका 19 तारीख के पेपर रहेंगे। फिर गाइस यहाँ पर 20 तारीख आ जाती है, 20 तारीख यानी बुधवार, बुधवार को आपका उर्दू का रहेगा। और गाइस जो 9वीं नंबर पे 21 तारीख को गुरुवार को जो है ये विषय का रहेगा। सो गाइस यहाँ पर ये विषय आपके में नहीं रहते, आपके में जो है इतने ही विषय रहते हैं जो छठवें नंबर तक हैं। सो गाइस इसमें आपके गैप नहीं मिल रहे हैं आपको, यहाँ तक ही आपको जो है 18 तारीख तक आपका सभी कंप्लीट हो जाएगा, जो है आपका 18 तारीख तक आपके पेपर हो जाएंगे। बिल्कुल एक भी दिन का गैप नहीं मिल रहा है, सीधा आपको 12 तारीख से आपके पेपर स्टार्ट होंगे, फिर इस डायरेक्ट आपके 18 तारीख तक जो है पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। देख लीजिए 12 से 18 तक आपके जो हैं सभी विषय के पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। सो गाइस 9वीं 10वीं क्लास का आपको टाइम टेबल समझ में आ चुका होगा, आपको इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए यहाँ पर। अगर आपको इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहीं से आप इसका जो है पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। और गाइस हाँ, आपकी जो त्रैमासिक परीक्षा आ रही है 12 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी। इसके पहले गाइस हम आपको जो है जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा के में बहुत हेल्प करने वाली, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। होगा इससे यहाँ पर जो आपके पेपर के पीडीएफ वगैरह वो हम टेलीग्राम चैनल पर ही डाल देते हैं। सो गाइस यहाँ पर इस त्रैमासिक परीक्षा में हम आपको इसी चैनल के माध्यम से बहुत हेल्प करने वाले हैं। सो गाइस आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप गाइस आपके क्लास 11वीं और 12वीं क्लास का जो है टाइम टेबल देख लेते हैं। सो गाइस चलिए यहाँ पर क्लास 11वीं और 12वीं का देख लेते हैं। सो गाइस यहाँ पर देख लीजिए जो आपका समय रहने वाला है वो यहाँ पर देख लीजिए प्रातः 9 से 12 बजे तक रहने वाला है। सो गाइस इसी में आपको समय देखने को मिलने वाला है, सभी विषय के जो समय हैं अलग अलग चेंज हुए हैं। सो गाइस यहाँ पर चलिए यहाँ पर सही से ढंग से देखना गाइस यहाँ पर आपको, क्योंकि एक एक विषय का जो है टाइम चेंज है। सो गाइस यहाँ पर ध्यान से समझना। फिर गाइस यहाँ पर चलिए अब पहला देख लेते, पहला है आपका 12/9 को यानी 12 सितंबर को आपका जब मंगलवार को पेपर है वो मनोविज्ञान का, यानी आपके विषय हो मनोविज्ञान तो कैसे आपका 12 तारीख को पेपर है। फिर गाइस यहाँ पर 12 तारीख को एक विषय का और है, यहाँ पर देख लीजिए
12/9/2023। सो गाइस मंगलवार को आपका दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक यहाँ पर जो आपके यानी जो बायोलॉजी मैथ वाले जो स्टूडेंट हैं उनके फिजिक्स का है, देख लीजिए भौतिक शास्त्र का 12 तारीख को दोपहर 2 बजे से, समय रहेगा 2 बजे से 5 बजे तक। भौतिक शास्त्र का है, अर्थशास्त्र का है, एनिमल का है, सो गाइस ये सभी विषय का है। फिर गाइस इसके बाद जो है तीसरे नंबर पर 13 तारीख को आपका रहेगा, 13 तारीख यानी बुधवार, बुधवार को 9 बजे से 12 बजे तक ड्राइंग एंड डिजाइन, सो गाइस ये आपके विषय हो तो देख लेना। फिर गाइस इसके बाद चौथे नंबर पे आपका देख लीजिए 13 तारीख है, 13 तारीख बुधवार, बुधवार को 2 बजे से 5 बजे तक हिंदी विषय का रहेगा, सो गाइस यहाँ पर 2 बजे से आपका 5 बजे तक रहेगा 13 तारीख को हिंदी का। फिर गाइस इसके बाद जो आ जाता है पाँचवा नंबर है 14 तारीख गुरुवार प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक बायो टेक्नोलॉजी और गायन वादन तबला पखवाज, सो गाइस ये आपके विषय हो तो देख लेना। इसके बाद जो है 14 तारीख को आपका अंग्रेजी विषय का भी रहेगा 2 बजे से 5 बजे तक, सो गाइस ये आपका जो है अंग्रेजी विषय का पेपर रहने वाला है 2 बजे से 5 बजे तक। फिर गाइस इसके बाद जो है सातवां नंबर 15 तारीख, 15 तारीख को आपका जो है शुक्रवार को 9 बजे से 12 बजे तक जो है ये विषय आपके में नहीं होगा, सो गाइस ये आपके नहीं देखना है, सो गाइस इसके बाद जो है 15 तारीख को एक जो है जीव विज्ञान विषय का भी आपका पेपर रहेगा, जो है यहाँ पर देख लीजिए जो जीव विज्ञान विषय का रहेगा वो यहाँ पर 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। फिर गाइस इसके बाद 9वें नंबर पर 16 तारीख को संस्कृत का विषय का रहेगा। फिर गाइस इसके बाद नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं यहाँ पर गाइस, फिर नीचे स्क्रॉल करने के बाद चलिए देख लेते हैं अब संस्कृत के बाद गाइस आपका जो है 16 तारीख को यहाँ पर देख लीजिए, 16 तारीख शनिवार दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक यहाँ पर रसायन शास्त्र का, इतिहास का, व्यवसाय अध्ययन का, ये सभी विषय के आपके जो है 16 तारीख को रहने वाले हैं 2 बजे से 5 बजे तक। फिर गाइस यहाँ पर 11वां नंबर में देख लीजिए यहाँ पर 18 तारीख यानी 17 तारीख रविवार का अवकाश रहेगा। फिर गाइस यहाँ पर 18 तारीख को समाजशास्त्र का यहाँ पर, फिर 18 तारीख को सोमवार को ही आपका गणित का विषय का पेपर रहने वाला, गणित विषय का पेपर रहने वाला आपका 2 बजे से 5 बजे तक। फिर गाइस इसके बाद 19 तारीख आ जाती है, 19 तारीख को आपको ये सभी विषय के ये आपके विषय ना होंगे। फिर गाइस 14 तारीख को आपका राजनीति शास्त्र का रहने वाला है मंगलवार को 2 बजे से 5 बजे तक। फिर गाइस 20 तारीख को आपका बुधवार को 9 बजे से 12 बजे तक है उर्दू मराठी का। फिर गाइस इसके बाद 20 तारीख को बुधवार को 2 बजे से 5 बजे तक भूगोल का रहने वाला है। फिर गाइस इसके बाद 21 तारीख को प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक लेखा शास्त्र का और कृषि का, ये गाइस आपके विषय नहीं होंगे। सो गाइस हमने आपको सभी विषय के जो है कम्प्लीटली टाइम बता दिए हैं, किस दिनांक को आपका पेपर रहेगा, और गाइस टाइम बता दिया, पूरा आपको बता दिया है। सो गाइस आप जल्दी से फटाफट देख लेना और गाइस ये निर्देश भी पढ़ लेना, क्योंकि गाइस बहुत ही ज़रूरी होते हैं, जो आपको परीक्षा में 10 या 5 मिनट पहले ही पहुंचना अनिवार्य रहता है। सो गाइस ये सभी आप पढ़ लेना। सो गाइस इतना ही इस वीडियो में अपडेट प्रोवाइड कराना चाहते थे, क्योंकि गाइस जो है आपका टाइम टेबल अब जारी हो चुका, आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देनी होगी, क्योंकि गाइस आपके अभी पेपर स्टार्ट होने वाले हैं 12 तारीख से। जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।